हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक काम करो, जरा जो पीछे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज है ना बेटा, उसके जरा पेज नंबर 4.59 पे आना बेटा। कुछ क्वेश्चंस बेटा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के भी देखेंगे। पेज नंबर 4.59, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। ऑन 31 मार्च 2011, बोज एंड सेन लिमिटेड प्रोवाइड्स टू यू द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। तो ध्यान रखना बेटा, लिखा हुआ है आफ्टर प्रिपेयरिंग इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। आपको बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनानी है, बैलेंस शीट। अच्छा बेटा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रीपेबल विद इन 1 ईयर 2 लाख, लोन्स अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म है बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेबल विद इन 6 मंथ्स, PL प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कॉल्स इन एरियाज लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटीरियल ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म एडवांसेस कैश बैलेंसेज विद बैंक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, 4,20,000 फुली पेड इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की कॉस्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर 3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। तो याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल्स विच आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। द अमाउंट ऑफ बैलेंसेज विद बैंक इंक्लूड 18,000 विद अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक एंड द डिपॉजिट्स ऑफ 5 लाख आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम अ बैंक एंड 1 लाख फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव प्रीवियस ईयर्स फिगर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2011 एज रिक्वायर्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो बेटा सिर्फ क्या बनानी है आपको, बैलेंस शीट। आ जाओ बेटा मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बनाएंगे बेटे। बेटा हेडिंग सब लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन, हेडिंग लिखना बेटा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। चलो बेटा फॉर्मेट्स बना लो, पहले पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट। बनाओ बेटा 3 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है बेटे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट हेड हमारे पास आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। ठीक है बेटे, शेयर होल्डर्स फंड्स। अच्छा बच्चे, शेयर होल्डर्स फंड्स में फर्स्ट सब हेड हमारे पास बेटा कौन सा आता है, शेयर कैपिटल। इसका बनाएंगे बच्चे नोट नंबर 1। ठीक है चलो बनाओ बेटे नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का। ठीक है बेटा, थोड़ा स्पेस छोड़ देना और नोट्स टू अकाउंट्स बनाना शुरू करो। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। लिखो बेटा हेडिंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, चलो
बेटा देख के बताओ मेरे को, आपको कौन सी शेयर कैपिटल दे रखी थी बेटे? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा कितने शेयर्स थे देख के बताना। 70 लाख रुपए की कैपिटल थी और एक शेयर 10 रुपए का, तो 7 लाख शेयर्स हो गए ना बेटा। तो 7 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 70 लाख बेटा। फिर एक एडजस्टमेंट भी थी, वो पढ़ना जरा। फर्स्ट पॉइंट, 4,20,000 इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड एज कंसिडरेशन फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा शेयर्स इश्यू करे हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, लिखना 4,20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, लो बेटा। अच्छा बेटा, डेबिट बैलेंसेस में नोटिस करना कॉल्स इन एरियर्स दे रखा है, तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करके शो करोगे, कितने का? 7,000। तो 69,93,000 ये आपका बेटा नोट नंबर 1 आ गया, 69,93,000। फिर बेटा सेकंड हेड हमारे पास आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2। चलो बेटा कॉपी कर लो इतना पहले। बेटा मैं ना, सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जरा ध्यान से बेटे। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, चलो बेटा। बेटा क्रेडिट बैलेंसेस देखना आपको, उसमें ना बेटा जनरल रिजर्व नजर आएगा 15,49,100, जनरल रिजर्व 15,49,100। और चेक करना आपको पीएल का बैलेंस भी नजर आएगा 7 लाख। कोई बताएगा ये पीएल का ओपनिंग है या क्लोजिंग? तो बेटा याद रखना, आपको पीएल बनाने को नहीं कहा था, इसका मतलब पीएल ऑलरेडी बन चुका है, तो ये पीएल का क्लोजिंग बैलेंस होगा 7 लाख। ठीक है, अच्छा बेटा अब एक काम की बात बेटे। बेटा अगर आप डेबिट बैलेंसेस देखो ना एक बार, डेबिट बैलेंसेस सेकेंड लास्ट आपको बच्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नजर आएंगे 93,100 के। बेटा मुझे एक बात बताओ, आपके पास जब सफिशियंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो बेटा ऐसे केस में क्या करोगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को बेटा पूरा राइट ऑफ कर सकते हो ना, तो राइट ऑफ कर दो। जब मेरे पास सफिशियंट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं तो मुझे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को पूरा क्या कर देना चाहिए? राइट ऑफ 93,100। तो 7 लाख माइनस 93,100, 6,06,900, 6,06,900। ठीक है बेटा, टोटल करो 21,56,000, 21,56,000। ठीक है, चलो बच्चे 21,56,000, 21,56,000। ठीक है बेटा, चलो अगला हेड बताओ बच्चे कौन सा आता है, नॉन करंट लायबिलिटीज का, नॉन करंट लायबिलिटीज।
बेटा नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहली लायबिलिटी हमारे पास आती थी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बच्चे नोट नंबर थ्री बनाएंगे इसका, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का नोट नंबर थ्री। ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ साथ वर्किंग नोट नंबर थ्री। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, चलो बेटा देखना शुरू करते हैं एक एक करके कौन कौन सी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेटे हमें नजर आती हैं। ध्यान से देखना है बेटा, इंपॉर्टेंट है। आओ जरा क्वेश्चन के क्रेडिट बैलेंसेस पे आओ। बेटा एक तो मुझे नजर आता है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिपेबल विद इन वन ईयर 2 लाख। बेटा एक बात सुनो, पहले 10.5 लाख का बेटा लोन था जिसमें से 2 लाख का लोन था रिपेबल विद इन 1 ईयर। इसका मतलब बेटा ये 2 लाख का लोन तो हो गया शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म लोन बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में अपेयर नहीं करेगा, करंट लाइबिलिटीज में जाएगा। तो 10.5 लाख में से 2 लाख तो हटा दो, बचा कितना 8.5 लाख। बेटा नीचे पढ़ना, कोई एडजस्टमेंट दे रखी है लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन की? एडजस्टमेंट नहीं दे रखी बेटा, लिखो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये आपका सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन में लिखो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, बेटा कितना आएगा 8.5 लाख, और ब्रैकेट्स में आप लिखोगे सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कॉपी कर लो बच्चे। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। अच्छा अब जरा नोटिस करो, कोई अनसिक्योर्ड लोन आपको नजर आता है ट्रायल बैलेंस में? अनसिक्योर्ड लोन देखो बेटा, अनसिक्योर्ड लोन क्रेडिट बैलेंसेस देखना बेटा, अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है 8,47,000, और नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड लोन इंक्लूड्स 2 लाख फ्रॉम बैंक। तो यहां पर आप लिखना, अलग अलग लिखना बेटा, फ्रॉम बैंक कितना है 2 लाख, बेटा सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको, जितना अनसिक्योर्ड लोन आपने बैंक से लिया है, रीजन है बेटा उसका, क्योंकि बैंक जनरली अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं है, बैंक जनरली आपका सिक्योर्ड लोन ही देता है। अगर अनसिक्योर्ड लोन देता है तो बेटा आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अच्छा फिर आपको अलग से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कितना लोन आपने लिया है फ्रॉम योर रिलेटेड पार्टीज, 1 लाख, बाकी अदर्स कह सकते हो आप, अदर बेटा कितना बच गया 847 था ना, उसमें से 3 लाख हटा दो बेटे, 547 बच गया, 5,47,000, तो टोटल कर दो इसका आ रहा था 847, तो 16,97,000, 16,97,000। ठीक है, ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आ गई। ये आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड हेड, थर्ड हेड आता है करंट लायबिलिटीज का, बेटा करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएंगे हमारे पास ट्रेड पेबल्स। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आएंगे बेटा ट्रेड पेबल्स, ठीक है बच्चे। तो एक बात नोटिस करना बेटा,
आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं कितने के बेटा? 14 लाख के आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, 14 लाख के ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं बच्चे, ठीक है। फिर ट्रेड पेबल्स के बाद आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहां पहले बेटा अदर करंट लाइबिलिटीज लिखना, पहले अदर करंट लाइबिलिटीज, फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4, अदर करंट लाइबिलिटी। बेटा एक बात याद है आपको, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन था बेटा, शॉर्ट टर्म रीपेबल विद इन 1 ईयर, तो लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन रीपेबल विद इन 1 ईयर कितने रुपए का? 2 लाख रुपीस का, शॉर्ट टर्म है ये, बस ये आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज आ गई। अदर करंट लाइबिलिटीज 2 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस नोट नंबर 5। नोट नंबर 5, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेटा देख के बताओगे क्रेडिट साइड आपको बेटा कौन सा प्रोविजन नजर आता है, जरा मेरे को देख के बताना थोड़ा सा। देखो बेटा क्रेडिट बैलेंस में देखना प्रोविजन, बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,16,900, 8,16,900 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 8,16,900 ठीक है। चलो टोटल कर दें आपकी लाइबिलिटी साइड का, बेटा 1,32,62,900, 1,32,62,900 ये आपकी बची आ गई लाइबिलिटी साइड, ठीक है। चलो अब आते हैं असेट साइड पे। असेट साइड पे सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स बेटा, नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहले आते हैं टैंजेबल असेट्स। नोट नंबर 6 बेटा, अब ये भी ध्यान से करना है जरा। नोट नंबर 6, टैंजेबल असेट्स। चलो अब बेटा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट डेबिट साइड देखना जरा। देखो बेटा सबसे पहले दे रखा है लैंड, लैंड दे रखा है 14 लाख का, 14 लाख का। फिर दे रखा है आपको बिल्डिंग, मेरी बात सुननी है जरा बेटा, नीचे एडजस्टमेंट में देखना बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी है आपको 28 लाख। तो बेटा बताओगे ट्रायल बैलेंस में जो बिल्डिंग दे रखी है 20,50,000, ये क्या होगी? ये WDV होगी बेटा, बिल्डिंग पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 7,50,000 रुपए का,
तब जाके बिल्डिंग की WDV बची होगी 20,50,000। ठीक है, ऐसे ही प्लांट और मशीनरी आपको कॉस्ट दे रखी है 49 लाख। आपने प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा। बेटा जरा देखना WDV क्या बच रही है, 36,75,000। तो 49 लाख माइनस 36,75, बेटा 12,25,000 रुपए का आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा प्लांट और मशीनरी पे, तब जाके वैल्यू बची है रिटर्न डाउन वैल्यू 36,75। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स 437,500 की कॉस्ट है माइनस डेप्रिसिएशन, और बेटा डेप्रिसिएशन है 3,50,000 की WDV बची है, तो 437,500 माइनस 3,50,000, 87,500 का डेप। ₹3,50,000 बेटा टोटल कर लो इसका, 14 लाख, 20,50,000, 36,75,000, 3,50,000, 74,75,000। ये आपके टेंजेबल असेट्स आ गए। लो बेटा कॉपी कर लो, 74,75,000। ठीक है, 74,75,000। फिर बेटा अगला आता है इनटेंजिबल असेट्स, अगर कोई है तो है, क्या दे रखा है बेटा, देखो कौन सा इनटेंजिबल असेट्स, पेटेंट्स दे रखा था बेटा आपको, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स सबसे लास्ट में 4,00,000 का, वर्किंग नोट नंबर 7। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, सॉरी दो मिनट, वर्किंग नोट नंबर 7, इनटेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स में आएगा पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 4,00,000। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 4,00,000। लो बेटा कॉपी करो इसे, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स 4,00,000। फिर बेटा आएंगे करंट असेट्स पे, करंट असेट्स बेटा, करंट असेट्स में सबसे पहले आता था क्या, वैसे तो आती थी करंट इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन वो है नहीं बेटे, तो इन्वेंट्रीज लिखना, और इसका ना एक वर्किंग नोट भी बना लेना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 8। दो तरह की इन्वेंट्रीज थी क्वेश्चन में, वर्किंग नोट नंबर 8 इन्वेंट्रीज, बेटा कौन कौन सी दो इन्वेंट्रीज हैं बेटा, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है कितने की, 3,50,000। ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स की है 14,00,000। तो 17,50,000 की इन्वेंट्री, 17,50,000। फिर सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल्स 9, बेटा इसकी भी एक एडजस्टमेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा ट्रायल बैलेंस देख के बताओ पहले, ट्रेड रिसीवेबल्स थे कितने के,
बेटा ट्रेड रिसीवेबल्स थे 14 लाख के और नीचे लिखा हुआ है 3,80,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो आप लिखोगे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, कितने के 3,80,000 और अदर डेट्स, तो माइनस कर दो बेटा 14 लाख माइनस 380, 10,20,000, 14 लाख, करो बेटा कॉपी, आ गया। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 10, चलो बनाएं नोट नंबर 10। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, चलो देखते हैं बेटा क्या क्या है, एडजस्टमेंट है इसकी भी बेटा। एक बेटा कैश का बैलेंस तो है 2,10,000, ये तो एज इट इज लिख लो, कैश इन हैंड 2,10,000। फिर देखना बैलेंसेस विद बैंक्स, इसमें बेटा एडजस्टमेंट है, बैलेंसेस विद बैंक्स, बेटा बैलेंसेस विद बैंक्स थे 17,29,000, नीचे पढ़ना बेटा क्या कहा है उसने, अमाउंट ऑफ बैलेंसेस विद बैंक इंक्लूड्स 18,000 विद अ बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो बेटा मैंने कहा था ना बाइफरकेशन आपको शो करना पड़ेगा विद अ शेड्यूल्ड बैंक, तो बताओ विद अ शेड्यूल्ड बैंक, फिर अदर बैंक्स, बेटा अदर बैंक्स के पास कितने के बैलेंसेज हैं 18,000 रुपए के। अभी एक और एडजस्टमेंट है बेटा, एंड डिपॉजिट्स ऑफ 5 लाख आर फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। अब सुनो सुनो बेटा, 17,29,000 के बैलेंस में से 18,000 तो है विद अदर बैंक, बचा 17,11,000। उसने कहा 17,11,000 में से 5 लाख के डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, कितने के बेटा 5 लाख के डिपॉजिट्स हैं। अच्छा माइनस कर दो 17,11,000 में से 5 लाख, बचा 12,11,000, वो हो जाएगा बैलेंसेस विद शेड्यूल्ड बैंक, टोटल कर दो 19,39,000। लो बेटा लिखो 19,39,000। अब बच्चे लास्ट आता है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर कोई हैं तो। और बेटा डेबिट साइड देखोगे ना तो दे रखे थे बेटा शॉर्ट टर्म एडवांसेस आपको दे रखे थे, देखना जरा शॉर्ट टर्म एडवांसेस 298,900 के, ये तो एज इट इज ही लिख लो 298,900, बस टोटल कर देते हैं 1,32,62,900, 1,32,62,900। लो बेटा ये आपकी बच्चे बैलेंस शीट कर जाएगी टैली। क्वेश्चन बताओ बेटा क्लियर हुआ सबको, फिर बच्चे एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, बस एक मैं आपको आज घर के लिए दूंगा बेटा क्वेश्चन और एक हम करेंगे।
1,32,62,900। करें बच्चे, चलो आ जाओ बेटा एक लास्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे बेटा सिंपल है, बस एक पॉइंट है जो नया है बेटा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय अल्फा लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011। सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है एज रिक्वायर्ड बाय पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर्स, लैंड प्लांट फर्नीचर, जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, फिनिश्ड गुड्स की, बेटा सब किया हुआ है हमने। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, पीएल, कैश, बैंक, अनसिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सेपरेट डिस्क्लोजर आता है। ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, सेपरेट डिस्क्लोजर आता है। आपको बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है, फर्नीचर की कॉस्ट दे रखी है, इससे डेप्ट निकालोगे। बैलेंस ऑफ 7,50,000 इन द लोन अकाउंट विद स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 37,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। मेरी बात सुनना बेटा, 7,50,000 का जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन का बैलेंस है ना बेटा, ये इसमें 37,500 का क्या है, इंटरेस्ट। और याद रखना, इंटरेस्ट इज अ करंट लायबिलिटी, ठीक है, वो आपका करंट लायबिलिटी हेड में आएगा। द लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा बैंक लिमिटेड विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। ट्रांसफर 20,000 टू जनरल रिजर्व is proposed by board of directors. Board of directors have declared a dividend of 5% on paid up capital. ठीक है, चलो बेटा आ जाओ बैलेंस शीट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सब करा हुआ है बेटा, बस एक पॉइंट नया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, कॉलम्स पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में आएगा पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हेड आएगा शेयर होल्डर्स फंड्स, और शेयर होल्डर्स फंड्स के नीचे आएगा सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 1। चलो बेटा बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। नोट्स 2, अकाउंट्स, नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। ठीक है, चलो बताओ बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, कितने शेयर्स हैं, 50,00,000 की कैपिटल है, डिवाइड बाय एक शेयर 100 का, 50,000 शेयर्स। तो 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 100 ईच, 50,00,000। अच्छा फिर इसमें क्या लिखोगे बेटा, नीचे नोट डाल के, 10,000 इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आप लिखोगे 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस 100 ईच वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, और बेटा बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में से क्या माइनस करते हो, कॉल्स इन एरियर्स 5,000 की हैं, कॉल्स इन एरियर्स 5,000, तो 50,00,000 माइनस 5,000, 49,95,000। पकाया बेटा, समझ सबको, चलो कॉपी कर लो यहां तक।
49,95,000 ठीक है बेटा। चल ये आ गया बेटा आपका 49,95,000। फिर बेटा सेकंड हेड हमारे पास आता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, मेन केस यही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा एक नई बात डिस्कस करनी है आपसे, वर्किंग नोट नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो क्या क्या है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में देखना। जनरल रिजर्व है 10,50,000 का, जनरल रिजर्व 10,50,000 का बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनर कॉलम में लिखना 433,500 का, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसमें से उसने कहा था आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। दो मिनट बेटा, बेटा मुझे एक बार देख के बताओ, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो बच्चे, दो मिनट। चलो मुझे पहले बताओ आपने कहां पर ट्रांसफर करना था बेटा, जनरल रिजर्व में। तो पीएल से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो तो जनरल रिजर्व का बैलेंस 20,000 से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10,70,000 ठीक है। और पीएल का बैलेंस 20,000 से घट जाएगा, 433,500 माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना 20,000 ठीक है बेटा। एक पॉइंट बेटा और है जो मुझे आपसे ना डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है बेटे। बेटा सबसे ना लास्ट लाइन पे आना बेटा, सबसे लास्ट लाइन। उसने कहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 5% ऑन पेड अप कैपिटल। चलो वर्किंग नोट बनाओ बेटा, बेटा डिविडेंड कितना है 5% ऑफ पेड अप कैपिटल। ये है बेटा आपकी पेड अप कैपिटल 49,95,000, इस पे 5% का डिविडेंड 249,750 का डिविडेंड करना मत अभी, 249,750 का डिविडेंड। अब मैं आपसे बेटा एक बात डिस्कस करना चाहता हूं बस। बेटा पता है क्या, आप लोगों ने इनकम टैक्स में बेटा पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में, कि जो डिविडेंड होता है ना बेटा वो शेयर होल्डर्स के हैंड्स में क्या होता है, एग्जेम्प्ट। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा उस डिविडेंड पे कंपनी देती है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है। तो बेटा ये जो डिविडेंड होगा ना, ये होगा आफ्टर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये नेट डिविडेंड है। मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटने के बाद इतना डिविडेंड आपको शेयर होल्डर्स को देना है। बेटा मुझे नेट डिविडेंड से अराइव करना है ग्रॉस डिविडेंड पे, तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स माइनस कर रखा है वो एड बैक कर देता हूं बेटा। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना होता है 15%, ठीक है। तो जरा बेटा निकाल के बताओगे, ये 249,750, ये 249,750 इज इक्विवेलेंट टू 85% बेटा, 15% के डीडीटी के बाद है 249,750, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 85 इनटू बेटा डिविडेंड कितना है 15। ये समझ आया बेटा सबको पक्का? या बेटा आप इसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूजन मत करना। नेट से बेटा आप सीधे किस पे अराइव कर लो, ग्रॉस डिविडेंड पे अराइव कर लो। कैसे करोगे बेटा? 249,750 इज इक्विवेलेंट टू 85%, तो डिवाइड बाय 85% 293,824 ग्रॉस डिविडेंड आ जाएगा 293,824, उस पे 15% 44074
या आप ऐसे भी कर सकते हो इनटू 15 डिवाइड बाय 85, एक ही बात है बेटा, उतना ही आ जाएगा 44074। ठीक है, तो याद रखना डीडीटी काटने के बाद आपको शेयर होल्डर्स को 249750 का डिविडेंड देना है। कितने डीडीटी काटने के बाद? 15% का डीडीटी काटने के बाद शेयर होल्डर्स को 249750 रिसीव होना चाहिए। पक्का? इसका मतलब बेटा एक बात मुझे क्लियर होती है, सुनो जो मैं कहूंगा बेटा, इसका मतलब बेटा ग्रॉस डिविडेंड रहा होगा 293824, जिस पे 15% का डीडीटी आया होगा 44074, और 44074 काटने के बाद डिविडेंड बचेगा 249750। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है छोटी सी, सुनना जो मैं कहूंगा बेटा। प्रॉब्लम क्या है कि बेटा ये जो डिविडेंड डीडीटी आपने काटा है ना डिविडेंड में से बेटे, ये इसमें बेटा अभी दो चीजें ना और ऐड होनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बेटा सरचार्ज है और एक सेस है। मैं आपको करके बताता हूं बेटा, यहां पर लिखना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बेटा कितना आया था एट द रेट ऑफ 15%? कितना आया? 44074। ठीक है बेटा, इसके अलावा ना कंपनी को इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे सरचार्ज भी देना पड़ता है 12% का। तो 44074 पे 12%, 5289 का सरचार्ज। तो बेटा ये आएगा 5289 प्लस 44074, 49363। और बेटा इसके बाद कंपनी को इस पे सेस भी देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना है बेटा? 4% का सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 49363 पे 4%, 1975 का सेस, 1975 का सेस। कॉपी करो बेटा इतना, 1975 का सेस। ठीक है बच्चे, तो अगर एड अप करें तो टोटल डीडीटी बेटा कितना आता है? 49363 प्लस 1975, 51338। ये आपका टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आएगा। ठीक है बेटे, कॉपी कर लो ये टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपका 51338। तो याद रखना 15% तो डीडीटी का रेट है, प्लस 12% का सरचार्ज भी और 4% का बेटा सेस भी आएगा। अच्छा अब सुनना बेटा, सुनना सुनना ध्यान से बेटा, पता है क्या, अब पीएल में से ना एक तो बेटा आप शेयर होल्डर्स को दोगे डिविडेंड 249750 का, तो एक तो डिविडेंड देंगे और एक हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देंगे। कितना? 51338 का। लो बेटे, तो ये आ जाएगा 433500 माइनस 20,000 माइनस 249750 माइनस 51338, 112412, और रिजर्व एंड सरप्लस हेड का टोटल कर दो 1182412। लो बेटा, ये आपके रिजर्व एंड सरप्लस हेड का टोटल आ गया। बस बेटा यही नया पॉइंट था, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल है।
ठीक है बच्चे, 118-2412, 118-2412। लो बेटा कॉपी कर लो इसे। ठीक है चलो बेटा, सेकंड हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, नोट नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स नोट नंबर 3। चलो नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में कौन कौन सी बोरोविंग्स आनी है बेटा, ये हमें देखना है। आओ अपना ट्रायल बैलेंस पे आ जाना बेटा। स्टार्टिंग से सबसे पहले बेटा लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है, और उसने लिखा हुआ है फोर्थ पॉइंट में, दिस इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मतलब सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। बेटा 7.5 लाख रुपए का लोन था, जिसमें से 37,500 तो इंटरेस्ट का था, वो तो करंट लायबिलिटी हेड में जाएगा, बचा 7,12,500। ठीक है अच्छा, और कौन सा लोन है बेटा, अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है बेटे इसकी, नहीं, अनसिक्योर्ड लोन कितने का है बच्चे, 6,05,000 का, तो टोटल आ गया 13,17,500 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, 13,17,500, 13,17,500। कॉपी करो बेटे, फिर करंट लायबिलिटी हेड करते हैं, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में बेटा सबसे पहले क्या आता है, ट्रेड पेबल्स, बेटा ये तो आपको सीधे ही दे रखा होगा, चेक करो जरा, ट्रेड पेबल्स आपको दे रखे हैं सेकंड लास्ट में बेटा 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा मेरे को, ट्रेड पेबल्स के बाद क्या आता है, अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। अच्छा अब अदर करंट लायबिलिटीज के लिए वर्किंग नोट बनाना, फोर्थ, अदर करंट लायबिलिटीज। बेटा अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा जरा देखना, क्वेश्चन देखना बच्चे। एक तो बेटा इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट पे आएगा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, यानी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितने का था, 37,500 का। अच्छा डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था बेटा, मान के चल रहे हैं पे नहीं हुआ है, 249,750, और उस पर DDT भी था, वो भी हम मान रहे हैं अभी तक पे नहीं हुआ है, कितना 51, देखो कितना निकाला था DDT, 51338, 51338 आउटस्टैंडिंग मान रहे हैं बेटा दोनों को, तो 51338 प्लस 249750 प्लस 37500, 338588, 338588, लो ये आपकी अदर करंट लायबिलिटीज, 338588, ठीक है बच्चे। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस,
बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बताओगे कौन सा आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है आपको 6,40,000 का, वर्किंग नोट नंबर 5। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स 6,40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 6,40,000। बेटा एक बार पढ़ लेना, कुछ रह गया हमारा क्या? क्वेश्चन देखो बच्चे, स्टेशन 4। अच्छा देखो, बेटा लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज दे रखा है, इन्हें बेटा शॉर्ट टर्म ही मान के चल रहे हैं, ठीक है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। बेटा अगर इन्हें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मानते हो तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। कितने का लोन था बच्चे? 2,00,000 का लोन आपका आ जाएगा 2,00,000। लो बेटे कॉपी करो, तो लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज आ गया आपका 2,00,000। दो मिनट चेक करना, कुछ रह तो नहीं गया इसमें। दो मिनट बचे, बेटा कुछ रह तो नहीं गया इसमें, एक बार चेक कर लेना जरा। टू लाख, ठीक है बेटा, चलो बस हो गया 2,00,000। चलो टोटल कर दो बेटा, बस 2,00,000 प्लस 640 प्लस 338588 प्लस 8,00,000 प्लस 1317500 प्लस 1182412 प्लस 49,95,000। तो 94,73,500। लो बेटा ये आपके बच्चे लायबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब आ जाओ असेट साइड पे। असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स में आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएंगे टैंजिबल असेट्स। नोट नंबर 7, ध्यान से करना बेटा। ये टैंजिबल असेट्स बेटा क्या क्या आएगा टैंजिबल असेट्स में, आओ बेटा मेरे साथ साथ देखना बेटा। ट्रायल बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा, लैंड और बिल्डिंग के नीचे देखना कॉस्ट क्या थी, 30,00,000 कॉस्ट थी 30,00,000, और WDV बची है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग की 27,50,000। तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया है, 2,50,000 का डेप लग गया है, वैल्यू बच गई 27,50,000।
ठीक है। फिर प्लांट एंड मशीनरी, नीचे देखो कॉस्ट है 35 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन, WDV बताना कितनी बची, 26,25,000 माइनस 35 लाख, 8,75,000 का डेप, 26,25,000, ठीक है। फिर फर्नीचर, फर्नीचर 3,12,500, इसकी WDV 250 बची है, तो कितने का डेप, 3,12,500 माइनस 250, 62,500 का डेप, 250, चेक कर लो बेटा। ₹56,25,000 tangible assets, ठीक है। एक काम करो बच्चे, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ कोई इनटेंजिबल असेट आपको दे रखा है क्या। ट्रायल बैलेंस देख लो एक बार, नहीं है बच्चे। चलो सेकंड, करंट असेट्स। बेटा करंट असेट्स में सबसे पहले हमारे पास आती हैं इन्वेंट्रीज, वर्किंग नोट नंबर 8। बेटा दो तरह की इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की। इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की 2,50,000, फिनिश्ड गुड्स की 10 लाख टोटल 12,50,000। सेकंड, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा इसका भी वर्किंग नोट बनाना। नाइन्थ, ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे थे ट्रायल बैलेंस में 10 लाख के, जिसमें से उसने कहा है 2,60,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स 2,60,000, और फिर लिखना अदर डेट्स। तो 10 लाख में से 2,60,000 तो मोर देन 6 मंथ्स हो गए, बचे 7,40,000, टोटल 10 लाख। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चलो कोई एडजस्टमेंट देखना बच्चे, इसमें कोई एडजस्टमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की, दे रखिए बेटा। आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 10, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, अच्छा इसमें बेटा कैश इन हैंड आएगा 1,50,000, कैश इन हैंड 1,50,000, और आएगा कैश एट बैंक। बेटा एक एडजस्टमेंट है जरा देखना, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक दो होते हैं ना, विद शेड्यूल्ड बैंक एंड विद अदर बैंक्स, विद शेड्यूल्ड बैंक
एंड विद अदर बैंक्स। पढ़ो जरा। फिफ्थ पॉइंट, बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 10,000 विद ओमेगा बैंक विच इज नॉट अ शेड्यूल्ड बैंक। तो 10,000 तो हो गया विद ओमेगा बैंक, बचा कितना 1235 माइनस 10, 1225 वो हो गया विद शेड्यूल्ड बैंक। तो टोटल 1235 प्लस 1385,000, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और बेटा हमारे पास लास्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये तो बेटा मेरे ख्याल से सीधे दे रखे थे आपको, शॉर्ट टर्म एडवांसेस 213,500। टैली करो बेटा, लो बेटे, ये आपकी बच्चे बैलेंस शीट कर जाएगी टैली 94,73,500। कर लो बेटा कॉपी। क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन सबको? बस एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला पॉइंट नया था बेटा, बाकी सब हमने पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है। चलो बच्चे, एक मैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूं बेटा आज आपको होमवर्क में, वो आप लोग बेटा अपने आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 कोई डाउट आएगी तो बेटा आप मुझसे डिस्कस करोगे, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपका अकाउंट्स का भी कोर्स आज फिनिश हो गया बेटा, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चे सारे चैप्टर्स सब कुछ बेटा क्लियर हुआ है, ठीक है। चलो बच्चे, कॉपी कर लो इसे। ठीक है बेटा, चलो बच्चे बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।